तो देखिए, जिस प्रकार से हम बात करें खंडेला विधानसभा के लोहरवाड़ा ग्राम पंचायत से, हम लोगों से मन की बातें आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि इस बार कौन बनेगा खंडेला का विधायक, जिनको लेकर के हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, बात करेंगे। इस बार चुनाव को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं, क्या इस बार जनता बदलाव चाहती है या फिर जो वर्तमान में विधायक है उन्हीं को चाहती है? फिलहाल विधायक है उसको चाहती है, महादेव सिंह को। अच्छा, महादेव सिंह जी को। अच्छा, चुनाव मैदान में तो काफी लोग हैं, सुभाष मिल भी है, बंसी दरबाजिया है, लालचंद भी है, बलदेव सिंह काफी होंगे, तो हम सब उसको देंगे, महादेव सिंह को। या की बात, बढ़िया आदमी, काम कराते हैं, जो मांगते हैं वही मिलता है हमारे को, जो मांगते हैं वो देते हैं, वही देते हैं। अच्छा, काफी सालों में अड़े राज कर रहे हैं, आप बात करा तो अड़े विधायक बन रहे हैं, 20-25 साल तक विधायक भी बने हैं, केंद्र में मंत्री बने हैं, तो लाड प्यार क्यों? बढ़िया आदमी सब है। टिकट क्या किला सिर्फ? हाँ जी, टिकट क्या किला सिर्फ उसको मिल तो बढ़िया बात है ना, आपका बेटा ही लेगा गिरिराज की। क्या की मिला है? कांग्रेस में लेना। कांग्रेस की? हाँ जी, कांग्रेस में लेना। अच्छा, कांग्रेस में सुभाष मिल भी खड़े हो रहे हैं? अजी नहीं, महादेव सिंह जी की ऑटो जगह तो। अच्छा अच्छा, हाँ अशोक यहाँ। अच्छा, बढ़िया आदमी से महादेव सिंह जी, अच्छे काम कराऊ। क्या प्रभावित हो रहा है? काम बढ़िया करवाऊ, जितना कोई भी काम हो जितना, हर काम साथ दी से। अच्छा, हर काम साथ दी से जी, कोई भी चले जाओ, चाहे बच्चों चले जाए तो भी की साथ से, बड़ों चले जाओ बड़ा की साथ। तो आपकी बार जनता बदलाव चाह रही है लागे? ना ना, बदलाव को ना। लेकिन यह चीज तो मैं जो घूम रहे हूँ विधानसभा में, बढ़िया तो देखिए कि जो पगड़ी आला बाबा है ना, महादेव सिंह जी के साथ ज्यादा है। अजी सब भी है महादेव सिंह जी के साथ, खूब छे इसी बात। हाँ, जनता सारी महादेव सिंह जी का स्वागत ही से। तुम्हारा बेटा खड़े हो रहे हैं आपकी बात? हाँ, बेटो चाहे वो तो बात तो एक ही है। एक ही बात? हाँ, एक ही बात। कोई खड़े हो? हाँ, कोई वोट बने देश? हाँ, बने देश है साहब, महादेव सिंह जी नहीं देगा वोट तो। अशोक क्या करवा दिया तो प्यार प्रेम क्यों जी? प्रेम से नहीं तो मार दो भाई सिंह जी सजू को सब कुछ भाई। हाँ हाँ महादेव सिंह जी है वहाँ बेटा गिरिराज जी, चाहे वे कोई सिंबल ले रहा हूँ मैं बाकी साथ चाह। समझ गा, तो विकास काम करवा रहे हैं? हाँ, कि विकास काम करवा रहे जी, जगह जगह हैंड पंप लगवा दिया, ट्यूबवेल बनवा दी, लोग आने जो पहले बंसीधर जी भी आप अभी यहाँ पे कौन कराएगी? बंसीधर जी तो देखो कोई सुनी को नहीं, सुनाई कौन करे? और कोई का कोई ट्रांसफर आते गया तो ट्रांसफर आते भी को बंसीधर जी तो, और आग ने गया यही काम होगा। अच्छा, तो टिकट क्या की लाइसी है? एक टिकट ठेकी भी ले रहा हूँ मैं महादेव सिंह जी, चाहे पहली बात तो कांग्रेस का, कांग्रेस ने कहते छोड़ी को जाए, निर्दलीय टिकट नहीं भी मिली कि वो पार्टी से कोई भूल भी होगी तो निर्दलीय चुनाव लड़िया, निर्दलीय चुनाव लड़ खूब बढ़िया वोटा से लड़िया, फिर पार्टी वाला लालच भी दियो 93 के बाद भैरू सिंह जी शेखावत के आज में की टूट पड़ रही थी है, ये खेचे आ जाओ मंत्री पद जाऊंगा, लेकिन भी मंत्री पद ने ठुकरा दियो। अच्छा, 22 निर्दलीय है जाके मायूस, 17 चलेगा निर्दलीय, सारा सारा मंत्री बनाया और ए कोने गया क्योंकि पार्टी के प्रति वफादारी आएगी पूरी। अच्छा, वही कारण है कि जनता जन प्यार करा। हाँ, ए आपकी जगह कौन छोड़ी? चाहे कोई कतवाई लाल के अब देख लो ना, अब गवर्नमेंट ने अलावा के लिए कम बाने से कांड हो कतरा आदमी उथल पुल कतरो लालच आने भी दी हो है, लेकिन ए नहीं साहब, पार्टी कठे भूल होगी मेरी साथ, लेकिन मैं पार्टी माँ बाप से पार्टी के साथ लोग, पार्टी ने भी धोखा रही बात को। हाँ, पार्टी ने भी धोखा भाई, टिकट काट यहाँ आज भी टिकट क्यों काटी? तो टिकट आपकी बार बांधे मिल चुकी निश्चिंत है? हाँ, मैं तो आश्वस्त था, आश्वस्त था, टिकट बांधे भी ले ली और टिकट नहीं मिले थे, पहली बार तो मिले ली टिकट नहीं मिलवाओ तो मेरे सपना में उम्मीद को दिया। फिर भी मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि हम सब महादेव सिंह जी या उनके बेटे को कोई भी चुनाव लड़ेगा उसके साथ उनके साथ के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा, सीधी सी बात है। और उनने बहुत ही बढ़िया विकास कार्य करवाए हैं, चाहे वो रोड का हो, पेयजल का हो, हर चीज में उन्होंने पब्लिक की सेवा की है दिल जान से। लंबो राजनीतिक रही हूँ मैं, बात करूँ 5 बार 6 बार विधायक बना दिया बिल्कुल, और वो प्यार प्रेम अभी बरकरार ही बिल्कुल बरकरार है साहब। वजह की आएगी? वजह उनका जो है ना जनता से जुड़ाव, वो सबसे बढ़िया है। अच्छा, जुड़ाव की वजह से? हाँ, काम भी होते हैं क्या? बिल्कुल काम होते हैं, जो कहता है ना वही काम होते हैं, जो लीगल होता है ना वो काम होते हैं, अनलीगल काम नहीं करते हैं वो। हाँ बिल्कुल साहब, महादेव सिंह जी है ना, मतलब कोई छोटा बच्चा भी चले जाए ना तो उनका भी काम होता है साहब। अच्छा, उनको किसी आदमी की जरूरत नहीं पड़ती कि आप अपना प्रतिनिधित्व। अच्छा, मैं जाऊँ तो मेरे भी बिल्कुल था, आपका भी काम होगा। विधानसभा पूछी कर दी
अजी नहीं, विधानसभा तो होता इतना तो होता है, देखो क्षेत्र तो सब पूछते हैं, आप भी जानते हो। और कोई आदमी लाग रहा प्रतिद्वंदी की कौन आसके? और देखो अभी तक तो कोई की उम्मीद आ को ना साहब, कोई की भी उम्मीद को ना, महादेव सिंह जी है ना, महादेव सिंह जी को जो व्यवहार और जो कार्य कुशलता है ना साहब, वह कोई में भी को ना, मतलब और जो प्रतिनिधि जी ना वहाँ का मैन साहब वहाँ कौन मिली, मतलब सुभाष मिल को भी काफी जोर है, जो लोग बता रहे हैं, युवा बता रहे हैं, युवा बता रहे हैं कि आपकी बार बताने चाहिए। अब देखो युवा महादेव सिंह जी से वहाँ कोई नहीं है, महादेव सिंह जी जैसे काम करें ना वैसे कोई नहीं कर रहा है। अब ये बात है इनकी ग्राम पंचायत है चोकड़ी, देखो युवा तो कहीं जाए, देखो नहीं युवा युवा आपकी बार बदलाव चाह रहे हैं सुनवा में? नहीं नहीं साहब, कोई भी युवा है ना बदलाव नहीं चाह रहा है, वो साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, महादेव सिंह जी के प्रति है ना, चाहे युवा ले लो, चाहे बुजुर्ग ले लो, चाहे जो जो मिड एज के है ना उनको ले लो आप, कोई भी ले लो, सब महादेव सिंह जी की तरफ ही है साहब, उनका प्यार प्रेम है ना, शांति प्रिय आदमी है, कोई भी चले जाए आराम से शांति से बात करते हैं, उसका काम करने के लिए है ना वो हमेशा एनी टाइम उतारू रहते हैं साहब, है 24 घंटे में आप कभी भी उनके पास चले जाओ। तो आपकी बार गिरिराज टिकट मिल सके? हाँ देखो अगर उम्र के हिसाब से तो उनको ही मिलनी चाहिए, गिरिराज जी को ही मिलनी चाहिए, क्योंकि युवाओं का भी जो है ना उनके साथ जोश रहेगा, काफी जुड़ाव है और सब बढ़िया है साहब, मैं तो यही चाहता हूँ। जी जी जी, और भी लोग हैं बातचीत करा। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम बता रहे? रतन लाल सिंह। अच्छा किन देश हो? मैं महादेव सिंह जी देश। महादेव सिंह जी ने दोगा या के बाद? अजी महादेव सिंह जी मतलब कोई भी समस्या हो ना तुरंत सुन ले जाए और तुरंत हाँ एक्शन ले तुरंत। अच्छा और जनता ने क्या चाहे? जनता तो यही चाहे, जनता ने यही चाहे सर, मतलब कोई भी चीज के बारे में मांग करा ना तो तुरंत काम कराऊंगी, बढ़िया वो वालों काम से ना बिल्कुल, जो दो नंबर का काम तो होगा ना। अच्छा एक नंबर में जो है ना वो बिल्कुल ही मना कौन करे, और 10-20 तो एडम लगा दिया, और हमारी वार्ड 9 और 10 से ना, मैं 9 नंबर से हूँ, मेरी वार्ड के अंदर सुभाष मिल को तो 1-2 वोट से ज्यादा नहीं मिलेंगे, वो मेरे को पता है कहाँ जाए कौन कौन देंगे ये पता सर। लोरवाड़ा की पूरा ही अब बात करा ग्राम पंचायत की तो किस पक्ष में ज्यादा मजबूत है? महादेव सिंह जी का पक्ष में है, एक तरफा है महादेव सिंह जी का, एक तरफा है महादेव सिंह जी, हाँ पिछली बार भी एक तरफा ही था और इस बार भी एक तरफा ही है महादेव सिंह जी, बिल्कुल एक तरफा। कैंडिडेट तो काफी है, कैंडिडेट से होने से उससे क्या है? फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा साहब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है साहब कि गवर्नमेंट आज कितनी सुविधा दे रही है अपनी जनता को, ये सब महादेव सिंह जी वगैरह जो है ना इनकी देन है, क्योंकि इन्होंने सरकार को अस्थायित्व दिया है, सरकार अस्थिर थी, गिर जाती तो ये सुविधा ही कहाँ मिलती, फ्री में अनाज मिल रहा है, सही बात, निःशुल्क दवा योजना और उसमें भी 25 लाख तक का ट्रीटमेंट है, अनाज जो है वो फ्री मिल रहा है, वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, पहले 560-700 थी वो 1000 हो गई, और दुर्घटना बीमा योजना जो है वो बिना कोई प्रीमियम के, ये सब महादेव सिंह जी की ही देन समझते हैं हम तो, क्योंकि वो सीएम के कंधे से कंधा सटा करके रहे और अपने साथियों को और साथ में रखा उन्होंने। अगर मुख्यमंत्री का विश्वसनीय तो ही हाँ। किसान का अध्यक्ष भी बना मिला है किसान हाँ, मोर्चा हाँ, हाँ। इसीलिए तो ये सब जो जनता को फायदा मिल रहा है ना, विभिन्न योजनाएं इन्होंने लागू की हैं, उनसे पूरी जनता जिले का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिले का क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें आज तक मैं रिटायर्ड कर्मचारी हूँ, 38 साल सर्विस करके आया हूँ और सबसे बहस करता हूँ, कहता हूँ कई बार कि आप हमारे पास ही आगे रिटायर्ड हुए साहब है, उनसे पूछा मैंने, देखो आप तो मेरे से ज्यादा, इनके जीजा जी आप तो मेरे से ज्यादा सर्विस किए हुए हैं, ज्यादा उम्र के हैं, कलेक्ट्रेट कितनी बार गए आप सर्विस पीरियड में, खर्चे एक बार नहीं गया, मैं रिटायर होकर के आ गया, हमारा कोई काम ही नहीं पड़ा, हम तो हमारा कलेक्टर जो है SDM साहब है, BDO साहब है, तहसीलदार है, इनसे काम पड़ता है, वहां तक कौन जाता है, कोई आवश्यकता ही नहीं है हमें, बताइए मतलब उस चीज का विरोध नहीं होगा ना, हमारे कोई विरोध नहीं है, और विरोध करता है तो उसको सेटिस्फाई करते हैं। जी हाँ जी साहब, किन देगा? बंसीधर जी? नहीं नहीं महादेव सिंह जी। महादेव सिंह जी ने दोगा? गाड़ी बांध लो बढ़िया आदमी थे। अच्छा आदमी बढ़िया क्या लगे सर? वो तो बुढ़ा होगा अजी, बच्चा की भी सुनाई करे थे, बड़ा की भी करे थे। अच्छा और बहुत बढ़िया जाता आको ना कि सरपंच ने लिया, पंच ने लिया, फलान जी ने लिया, बटका गोल भरी काम जाता है, आओ जी आओ बैठो साहब, आओ चाय पानी पिलाऊ जे, पानी पात पाऊ जे, खुश हो जाओ। हाँ जी खुश हो जाओ। आओ बिल्कुल खुश, जो काम करे थे काम करे थे। अच्छा लेकिन यह चीज कौन देख रहे थे? दूसरा मौको ही कौन दियो भाई? 25-30 साल से तो मैं विधायक बन रहा, के बाद में केंद्रीय मंत्री बन गया, करें जना बार बदलाव करा, बढ़िया आदमी से बढ़िया। तीन बार
जनता दे दिया, मैं तो दियो नहीं थे खोजो कदे कोई वो कोई कौन दियो नहीं तीन बार किन बड़ा बने तो ही ना एमएलए जी बाजिया क्या साल बने दस साल दो बार दस साल तो बनेगा। हाँ अच्छा काम कौन करवाएगा? नहीं वे तो गया ना कोई सुनाई को सुनवाई को नहीं और दस साल तो जनता पे दस साल जनता प्यार तो हो जाते वो। अच्छा पांच तो काम तो महादेव सिंह जी का लड़ाई कर दिया। अच्छा अच्छा तो बंसीधर जी को कोई रोल को नहीं किया आपकी बात? ना ना कोई उठाओ कोई रोल को ना ये लोल्डा पंचायत में। अच्छा ऑल ओवर खंडेला की बात करा तो खंडेला में भी कोई थे ज्यादातर कोई विरोध को नहीं ना कोई नहीं कोई दूसरा मारा गांव चौकड़ी का माया नहीं माँ देव सिंह जी को सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा चौकड़ी में तो भी वोट आएंगे तो देखो मन ध्यान पता कैसे पर चौकड़ी का माया सबसे ज्यादा माँ देव सिंह जी को। अतरा खुश क्या हो रही मतलब मतदाता काम अच्छो काम करे सीधी बात हाँ अच्छो काम करे काम करे रात बिन वोट दे हाँ बिन वोट सही काम अच्छो करें बिल्कुल। हाँ महादेव सिंह जी की और भी लोग हैं बातचीत करेंगे बालाजी नगर के चुनाव की बात करा चर्चा करा तो अब की बार के जनता बदलाव का मूड में आएगी? नहीं भाई जी महादेव सिंह जी महादेव सिंह जी बाको नाम का रट में तो काम का कार्यकाल बढ़िया है कार्यकाल बढ़िया है बाको सर नमस्कार यहाँ के नहीं हूँ जी नमस्कार शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हूँ जी सर नरसिंह प्रसाद जी सर और हमारे यहाँ खंडेला क्षेत्र में महादेव सिंह जी का ज्यादा है और उनको ही वोट देंगे हम उनके ही समर्थक हैं। अच्छा 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 उनको टिकट मिले तो भी उनको ही देंगे नहीं मिलेगी तो भी उनको ही देंगे या के बाद जी बस हम अच्छे तगड़े प्यार प्रेम करें बोलो लेकिन यह चीज भी देख भी तो होगी ना किसी न किसी के साथ बिल्कुल आपकी आस्था नहीं है क्या किसी बिल्कुल है आपका कोई इष्ट देव भी होगा राजनीति में किसी के साथ आस्था भी जुड़ी होगी तो हमारी आस्था उनके साथ जुड़ी हुई बिल्कुल बिल्कुल चाहे टिकट मिले या ना मिले हो बिल्कुल। अच्छा कामा की बात करो विकास कार्य हुई है विकास कार्य खूब हो रहे हैं सड़क की जगह सड़क पानी की जगह पानी पानी के लिए रोटी कपड़े मकान चिकित्सा सुविधा ये चीज सब वो उपलब्ध है। अच्छा अगर सामने कौन आ सकता टक्कर के रूप में बात करें टक्कर के रूप में तो टक्कर के रूप में प्रतिद्वंदी यहाँ पर त्रिकोण संघर्ष रहेगा त्रिकोण ही रहेगा हाँ बीजेपी और मिल हाँ। और अच्छा मिल ने टिकट सुभाष मिल ने टिकट मिलत तो ही लड़ाई भाई लड़ाई अब ये तो वो जाने बाकी अच्छा अच्छा बाकी वो भी चुनाव तो लड़ेगा त्रिकोणीय मुकाबला होगा हैं त्रिकोणीय मुकाबला होगा हाँ त्रिकोण त्रिकोणीय मुकाबला